जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि हाल ही में इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं, यानी कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। रिजल्ट देखिए कुछ खास शानदार नहीं आए हैं, लेकिन बुरे भी नहीं आए हैं। रिजल्ट मिली जुली रही है, उस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को कब से मिलेगी, क्योंकि आपको पता है काफ़ी दिनों से स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो 1000 से लेकर 1050 इसी के बीच में आपको घूमते हुए दिख जाएगा। पिछले एक सप्ताह में भी देखेंगे तो एक सप्ताह में स्टॉक कुछ खास चढ़ा नहीं है, तकरीबन 4% के आसपास गिरावट ही देखने को मिला है। एक मंथ में भी कुछ नहीं चढ़ा, एक मंथ में तकरीबन 4.5% के आसपास स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिला है। अब देखिए ये जो गिरावट है ना, ये एक लंबी अवधि से देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पर मतलब निगेटिव में ही आपको दिखाई देगा। सवाल ये है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी में जिसका अभी क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है, और इसके क्वार्टर फोर रिजल्ट आने से आईटी सेक्टर को बहुत उम्मीद थी, पूरे एक कह सकते हैं स्टॉक मार्केट को, भारतीय स्टॉक मार्केट को एचसीएल टेक्नोलॉजी से काफ़ी उम्मीद थी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा क्वार्टर के नंबर आने के बावजूद बाद। लेकिन अभी देखेंगे क्वार्टर फोर के जिस तरीके नंबर आए हैं तो हालात उस तरीके के नहीं दिख रहे हैं कि शेयर प्राइस में अच्छी खासी आपको तुरंत ग्रोथ देखने को मिले। हालांकि ये सीएल टेक्नोलॉजी के जो कंपनी है, जो इसका काम है, उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। हम लोग इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि शेयर प्राइस में तेजी कब से आएगी। हमारा कंसर्न बस इतना है कि सीएल टेक्नोलॉजी में भी हम इन्वेस्टमेंट किए हैं या और आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें बस शेयर प्राइस बढ़ने से मतलब है। इसी को इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि शेयर प्राइस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को कब से मिलेगी। पहले हम लोग सीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर देख लेते हैं कि क्वार्टर फोर के नंबर किस तरीके के आए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि इसके शेयर प्राइस में तेजी कब से देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट पर, और रिजल्ट पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल्स की बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल कंपनी के सर्विसेज इस क्वार्टर में कितनी ले गई उस सेल्स से ही पता चलता है। तो देखेंगे मार्च क्वार्टर में कंपनी का टोटल सेल्स हुआ है 26,606,00,000 के आसपास हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 26,700,000 के आसपास था, यानी कि थोड़ा सा ही कम हुआ, कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स यानी कि क्वार्टर वन और क्वार्टर टू की बात करें तो उससे तो इस कंपनी का जो क्वार्टर फोर का अभी जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा है, सिर्फ पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर आया है। अब वहीं पर यदि सेल्स की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि सेल्स की बात हम कर ली है, तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट में कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम होते हुए आपको यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि उसके पिछले क्वार्टर और उसके पिछले क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू से अभी भी देखेंगे तो क्वार्टर फोर का जो नेट प्रॉफिट है वो अधिक है। यानी कि देखिए रिजल्ट एक क्वार्टर का यदि खराब आता है तो उतनी घबराने वाली बात नहीं होती है जितना कि अभी आप देख सकते हैं, मतलब बिजनेस न्यूज में जितना इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। सीएल टेक्नोलॉजी उतनी भी खराब कंपनी नहीं है, यानी कि अभी इसमें पोटेंशियल है, ये स्टॉक आके ग्रोथ कर सकता है। अब देखिए ये तो बात सभी को पता है कि सीएल टेक्नोलॉजी में कुछ खास सोचने वाली बात है नहीं। सीएल टेक्नोलॉजी के यदि हम लोग एक साल का चार्ट ओपन करें, चार्ट पर आप देखेंगे तो साल भर में इसने तकरीबन 1155 रुपये के आसपास का हाई भी लगाया, हालांकि 900 रुपये तक का लो भी लगाया, लेकिन यहाँ से कवर होकर 1155 रुपये तक गया। और अभी भी देखेंगे तो ये मैंने जैसे बताया 1050 से लेकर 1100 के बीच में इसी में घूम रहा है। तो जब ये इसके लिए एक रेंज बाउंड एरिया है, रेंज बाउंड से बाहर निकलने दीजिए, यानी कि ये स्टॉक अभी जो कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो इसके बाद शेयर प्राइस 1100 के ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद ऊपर ही जाते जाएगा। अब देखिए ये क्या हुआ ना, अभी क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो आया है उसमें यदि सब चीज़ बढ़िया रहा था तो ये जो कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता और कंसोलिडेशन से ब्रेक हो जाता, यानी कि कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद शेयर प्राइस ऊपर ही जाता। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद जब क्वार्टर फोर का रिजल्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो आपको पता है क्वार्टर रिजल्ट हर एक कितने दिन वहाँ पर आते रहता है। अगले क्वार्टर रिजल्ट यदि बेहतर आता है तो शेयर प्राइस निश्चित ही उस रेंज से बाहर निकलकर ऊपर जाएगा और सीएल टेक्नोलॉजी के शेयर प्राइस में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल बात करें तो सीएल टेक्नोलॉजी बढ़िया कंपनी है, सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट के भरोसे आप इस कंपनी को डिसाइड नहीं कर सकते। कंपनी कैसी है, कंपनी वास्तव में काफ़ी शानदार कंपनी है, फंडामेंटल भी शानदार है, कंपनी आगे जिस सेक्टर में काम करती है उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, तो कुछ सोचने की बात नहीं है। आपका यदि इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें बने रहिए, कंपनी आप कमा कर देगी और ज़बरदस्त मुनाफा कराएगी। उम्मीद करता हूँ सेल टेक्नोलॉजी के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।